22 अक्टूबर दिन मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर मनाया गया सुपोषण दिवस। देखा जाए तो अभी तक गांव में ये मानसिकता बनी हुई है कि बच्चे संभालना, घर गृहस्थी संभालना औरतों का काम होता है, जबकि गांव में आप लोग देखते हैं कि गांव की महिलाएं भी घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ पुरुषों के साथ वो गांव में खेतों में भी काम करती हैं, खेतों में भी पुरुषों का हाथ बटाती हैं, मनरेगा में काम करके वो अपनी घर गृहस्थी को अच्छे से चलाने की कोशिश भी करती हैं। जबकि ज़्यादातर पुरुषों का यही विचार होता है, वो बाहर तो महिलाओं की मदद ले लेते हैं, खेतों में उनके साथ काम कर लेते हैं, मनरेगा में उनके साथ काम कर लेते हैं, ईंट भट्ठे पर भी उनके साथ काम कर लेते हैं, लेकिन देखा जाता है कि वो लोग जहाँ महिलाओं का काम होता है, घर गृहस्थी वाला, बच्चे पालने वाला और खाना बनाने वाला, इसमें पुरुष सहयोग नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, इसीलिए सुपोषण दिवस जब भी मनाया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र पर तो वहाँ पर लाभार्थी परिवारों के पुरुष सदस्य, विशेषतः पिता और पति को ज़्यादातर बुलाया जाता है, क्योंकि इस मिथक को हटाना है पुरुषों के दिमाग से, तभी जाकर के किसी भी गर्भवती महिला की, धात्री महिला की और छोटे बच्चों की देखभाल अच्छे से हो पाएगी। क्योंकि जब दोनों लोग मिलकर अपनी गृहस्थी को चलाएंगे, दोनों लोग मिलकर अपने बच्चों का पालन पोषण सही से करेंगे, तभी बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रह पाएगा। कब बच्चों का टीका लग रहा है, कब बच्चे को खाना खिलाना है, कब बच्चे को नहलाना है, कब बच्चे का ध्यान रखना है, ये चीज़ें दोनों लोगों को मिलकर करना होता है। जहाँ ज़्यादा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, वहाँ तो ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं कि चलो अगर घर में बच्चे की माँ कुछ काम कर रही है तो दादी, बड़ी मम्मी, बुआ, सभी लोग मिलकर बच्चे को संभाल लेती हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि माँ और पिता दो ही सदस्य होते हैं जिनको कि बच्चों को संभालना होता है, परिवार में अन्य सदस्य नहीं होते हैं, तो ऐसे में दिक्कत होती है बच्चे को संभालने में, गर्भवती महिला की देखरेख करने में। तो फैमिली में चाहे जितने भी लोग हों, बच्चों की देखभाल और एक गर्भवती महिला की देखभाल सबकी जिम्मेदारी होती है, परिवार के सभी बड़ों की और सास की भी, जेठानी की भी, क्योंकि ये लोग पहले से भी अनुभवी होते हैं। पिता और पति को बुलाया जाता है तो इन्हीं सब चीज़ों को बताया और समझाया जाता है। तो बहनों, ये सब चीज़ें आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग तो वैसे भी जानती ही हैं कि सुपोषण दिवस में हमें क्या संदेश देना होता है। तो वो संदेश हमें सुपोषण दिवस पर लाभार्थियों के पिता और पति को देना है। और आपको बताते चलें कि यह जो गतिविधि होती है वो पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित होती है। वित्त पोषित मतलब कि जब हम इसे मनाते हैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर तो इसके 250 रुपये हमारे अकाउंट में सरकार द्वारा भेजे जाते हैं, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं उसका एक लिखित प्रमाण होना बहुत ज़रूरी होता है। कितना भी काम कर लें, जब तक हम उसे लिखित रूप में नहीं रखेंगे तब तक वो रिकॉर्ड सही नहीं माना जाएगा। तो इसी तरह से जितना ज़रूरी होता है किसी भी इवेंट को अपने समुदाय में, अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर करना, उतना ही ज़रूरी होता है इस इवेंट को पोषण ट्रैकर पर फीड करना। तो बहनों, अगर आपने 22 अक्टूबर की फीडिंग सुपोषण दिवस की नहीं की है तो जितना जल्दी हो सके वीडियो देखते ही सुपोषण दिवस की एंट्री अक्टूबर माह में ही कर डालिए। तो आइए अब देखते हैं कि हम सुपोषण दिवस की एंट्री पोषण ट्रैकर पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोषण ट्रैकर पर। कोई भी इवेंट फीड करने के लिए तो हमें पोषण ट्रैकर पर ही जाना होगा बहनों। तो क्रम से जब हम पोषण ट्रैकर को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आज कल यही चीज़ें आ रही हैं, बेनिफिशियरी का और आंगनबाड़ी वर्कर का। तो हमें आंगनबाड़ी को टच करते हुए आगे बढ़ना है और इस तरह से जब पोषण ट्रैकर ओपन होगा तो हमें मोर के ऑप्शन पर जाना है। इवेंट को फीड करने के लिए मोर के ऑप्शन पर ही जाना है। मोर तो हमें यहाँ से मिलेगा, तो हमने यहाँ पर मोर के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है। अब इवेंट के ऑप्शन को टच करना है। अगर आपका हिंदी में होगा तो यहाँ घटनाएं लिखा होगा, मेरा इंग्लिश में है तो यहाँ इवेंट्स लिखा हुआ है। इसको हम करेंगे क्लिक तो इस तरह से फीचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें CBE को क्लिक करना है, मतलब CBE को टच कर देना है। तो हमने CBE को टच किया तो इस तरह से इंटरफेस खुल करके सामने आता है। यहाँ पर देख रहे हैं
ये ऐड सी बी ई करना है, हम यहाँ से ऐड सी बी ई करेंगे। ऐड सी बी ई को हमें करना है और हमें इसे ओपन करने के लिए जो ब्लू कलर का है उसे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डेट और सेलेक्ट थीम लिखा हुआ है, तो हमें डेट को फीड करने के लिए इस कैलेंडर को टच करना है। तो आइए सबसे पहले हम डेट को सेलेक्ट करते हैं, 22 अक्टूबर की फीडिंग करनी है, तो हम यहाँ पर 22 अक्टूबर को क्लिक करके यहाँ से कर देंगे इसको ओके। ये हमने कर दिया है ओके। अब हम सेलेक्ट थीम करेंगे, बाद इसे करना है एरो को टच, हमने एरो को टच कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरे इवेंट की, जितने इवेंट होते हैं उनकी पूरी लिस्ट आ चुकी है, ये जितने इवेंट मनाए जाते हैं, 1 2 3 4 5 पांच इवेंट आंगनबाड़ी केंद्रों पर मनाए जाते हैं, तो उनकी यहाँ पर पूरी लिस्ट आ चुकी है। बहनों ज़रूरी नहीं है कि पांचों इवेंट एक महीने में हों, 2 इवेंट 3 इवेंट ऐसे ही इवेंट एक महीने में होते हैं। ये जो इवेंट होते हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है वो सारे इवेंट वित्त पोषित होते हैं, जो भी यहाँ पर गतिविधियाँ हैं वो वित्त पोषित होते हैं। ये गतिविधियाँ हमें कराने पर हमें 250 रुपये जो इस पर खर्च आते हैं वो दिए जाते हैं। तो आज हम सुपोषण दिवस को फीड करेंगे, क्योंकि 22 अक्टूबर को सुपोषण दिवस मनाया गया था, तो सुपोषण दिवस को हमने यहाँ से क्लिक कर लिया है, ये वाले गोले से हमने सुपोषण दिवस को क्लिक कर लिया है। तो सबमिट लिख करके आ जाएगा, हमें सबमिट पर क्लिक करना है, तो इस तरह से रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली हो जाएगा, मतलब सुपोषण दिवस की एंट्री हमारी फीड हो चुकी है। तो बहनों आप लोग भी मत भूलिए, जल्दी से जल्दी सुपोषण दिवस की एंट्री कर डालिए, तभी आएंगे 250 रुपये।